नमस्कार, मैं जीशान जावेद, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। रीवा में आज बौद्ध धर्म को मानने वाले तमाम लोग एकत्र हुए। मकसद था भाईचारे का संदेश। आज के माहौल में बौद्ध का जो भी सपना था पूरे देश दुनिया में भाईचारा रहे, उसी को संदेश देने के लिए एक बड़ी रैली की शक्ल में तमाम लोग एकत्र हुए एक जगह पर और रैली बनाकर शहर के विभिन्न हिस्सों में निकले। मकसद केवल एक छोटा था, आज के माहौल में एक दूसरे से मिलकर रहें, भाईचारे का परिचय दें, जो आज के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। हमारी टीम ने ऐसी ही एक रैली में पहुंचकर तमाम जिम्मेदार लोगों से बात करने की कोशिश की। हम ज्यादा से ज्यादा लोग से बात करना चाहते थे, हम जानना चाहते थे आखिर आज इतनी बड़ी तादाद में ये लोग क्यों निकले हैं, इनका क्या है मकसद। सुनिए तमाम लोगों से बातचीत करने के बाद क्या कुछ कहा उनने। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे, मैं जावेद अंसारी। मेरे पीछे आप एक काफिला देख पा रहे होंगे। आज बौद्ध जयंती समारोह को लेकर ये शहर में रैली निकाली जा रही है। इस रैली में क्या है खास, आज तमाम जिम्मेदार लोग यहाँ मौजूद है, मैं इनसे बातचीत करने की कोशिश करूंगा। क्या है? ये भगवान बुद्ध ने पूरे दुनिया को करुणा मैत्री भाईचारे का संदेश दिया, उसी करुणा मैत्री भाईचारे का संदेश को हम जन-जन तक पहुंचाना चाहते हैं। और भगवान बुद्ध ने शांति दूत बनकर पूरे दुनिया को एक शांति दी, करुणा दी, मैत्री दी, इसलिए हम जन-जन तक चाहते हैं, जन-जन तक बुद्ध की करुणा पहुंचे। आज मानवता का संदेश देने वाले तथागत गौतम बुद्ध की जयंती है, जिसको तमाम हजारों अनुयायियों ने आज बड़े धूमधाम से शहर में रैली निकाल करके और उनकी जयंती को मनाने का काम कर रहे हैं और उनका तमाम समाज में प्रचार प्रसार करने का काम जारी है और जारी रहेगा। मानवतावादी संस्कृति है, इन्होंने और हम लोग पूरा विश्व जयंती मना रहे हैं। आज हम लोग भगवान बुद्ध की जयंती मना रहे हैं और शहर में रैली निकाल रहे हैं। गौतम बुद्ध ने शांति का संदेश दिया था और भगवान शांति के रास्ते से सबका भला करे, कल्याण करते हैं। शांति का संदेश दिया था, उसको लेकर हम लोग रैली निकाल रहे हैं। बिल्कुल, शांति का संदेश देने वाले तथागत गौतम बुद्ध की आज 2586 जयंती है, जिसका पूरे प्रचार प्रसार के माध्यम से जन जन तक हम लोग शांति का संदेश देने के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। श्रावण पूर्णिमा के अवसर पर आज बुद्ध भगवान की हम लोग जयंती मना रहे हैं, जिन्होंने करुणा का संदेश दिया, मैत्री का संदेश दिया और उनके सभी अनुयायी, उनके लाखों अनुयायी आज पूरे दुनिया में आज उनकी जयंती मनाई जा रही है, इसलिए हम लोग भी मना रहे हैं। ये बुद्ध जयंती है, मानव का संदेश देकर, मानव मानव एक समान, वही संदेश को लेकर हम लोग पूरे बौद्ध जयंती को मना रहे हैं। मानव मानव एक समान, तमाम बुद्ध को लेकर एक संदेश दिया जा रहा। हमारे पास बहुत सारे लोग हैं, मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों से बातचीत करने की कोशिश कर रहा हूँ। बताइए जी, आज क्यों? आज बुद्ध जयंती है, अपन लोग जो है यहाँ से बुद्ध धर्म की विचारधारा वाले लोग इकट्ठा होकर जो शहर में संदेश देना चाहते हैं, जो भारत में का जो मूल धर्म था वह धर्म उसी को जो हम लोग बढ़ाने का, मूल धर्म को बढ़ाने का हम लोग काम कर रहे हैं। जिस तरीके से आप एक काफिला देख रहे होंगे ये बताने के लिए पर्याप्त है। शांति भाईचारे का संदेश आज के माहौल की सबसे बड़ी जरूरत शायद यही है। जी नमन यकीन सभी लोगों को, आज पूरे विश्व में महाकाल बुद्ध की जयंती 2586 जयंती का कार्यक्रम आयोजित है। आज ये भिंड की धरती दीवा में भी ये हमारे सभी उपासक उपासिका है, जो महाकाल संस्थान के नेतृत्व में हम सब लोग पूरे समाज के लोग सभी कर्तव्य है, पूरे जिले भर के लोग यहाँ धर्म कार्यवाही कर रहे हैं। इस हम यात्रा विन्याचल बुद्ध की आज कंपाउंड से लेकर के घोड़ा के अस्पताल जो रहा, मैया हाथी पहुंचे रहा, पूरे शहर में हम रैली निकाल के कोशिश कर रहे हैं, शांति भाईचारे का संदेश देने का लगातार हम प्रयास कर रहे हैं। मेरे साथ कुछ महिलाएं भी हैं, मैं कोशिश करूंगा महिलाओं से बात। आज आप लोग सड़क में क्या संदेश है? जी सर, आज पहले तो नको बुद्ध आए जय भीम, और आज बुद्ध जयंती है और बुद्ध भगवान के जो मार्ग पे हम लोग चल रहे हैं, शांति का प्रतीक है और बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग आगे तक बढ़े।
तमाम लोगों से मैंने बात की, सबका मकसद एक, आज के माहौल में शांति भाईचारे का संदेश सबसे जरूरी है और वही देने की हम कोशिश कर रहे हैं। यहाँ और भी बहुत सारे लोग हैं, बताइए। आज जिस बुद्ध पूर्णिमा हम लोग बुद्ध का संदेश यात्रा निकाल रहे हैं, इसमें हम लोग का मुख्य उद्देश्य है शांति भाईचारा आपस में बना रहे और समाज में एक संदेश देना चाहते हैं, शांति और अमन का, शांति अमन का संदेश देने के लिए हमने यह यात्रा निकाली है। आज के लिए इतना ही, अपने मेजबान जावेद अंसारी को दीजिए इजाजत।